हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे फैंटास्टिक फोर से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया कि अपकमिंग जो एमसीयू की फैंटास्टिक फोर मूवी होने वाली है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले, अब तक हम काफी टाइम से इस फैंटास्टिक फोर मूवी को देखते आ रहे हैं, जिसमें कि हमने चार मूवीज तो देखी ली है, एक 90s की, फिर उसके बाद साल 2005 की, फिर उसके बाद जो रिबूट वर्जन आया था वो भी हमने देख लिया। तो टोटल हमने फैंटास्टिक फोर के चार पार्ट देखे और चारों में हमें ओरिजिन देखने को मिले। बट एमसीयू केविन फाइगी ने यह कंफर्म कर दिया है कि जो अपकमिंग मूवी होगी उसमें कोई भी हमें बेसिक स्टोरी या ओरिजिन देखने को नहीं मिलने वाला है। ये मूवी एमसीयू की बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप की मूवी होने वाली है, जिसमें कि आपको कुछ नया ही देखने को मिलेगा। और केविन फाइगी ने तो ये तक कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी में जितना तक हमने कॉमिक बुक में ओरिजिन देखा वो तक देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि एमसीयू का अर्थ 616 में साल 2024 में डायरेक्ट फैंटास्टिक फोर को इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। और वो इतने टाइम तक क्या थे, एवेंजर्स एंडगेम की स्नैप टाइम के बाद उन्होंने क्या करा, तो बहुत कुछ चीजें हैं जो कि हमें उस मूवी में डिस्कस करी जाएंगी और बताया जाएगा कि फैंटास्टिक फोर की टीम अभी तक क्यों नहीं सामने आई। और आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 616 में था और मिस्टर फैंटास्टिक को वो ऑलरेडी पहले से जानता था और डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये तक बोला था मल्टीवर्स मूवी में कि तीन मेंबर और कहाँ है। तो उससे ये पता चल जाता है कि ऑलरेडी फैंटास्टिक एमसीयू के अंडर थे अर्थ 616 में, बट अभी तक वो सामने नहीं आए थे। तो कुछ ना कुछ बड़ा रीजन होगा और यही बेसिक स्टोरी ओरिजिन हमें देखने को नहीं मिलेगा जो हम अब तक देखते आ रहे हैं। और देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। और केविन फाइगी ने ये बात जब बोली है तो मुझे लगता है कि मूवी कुछ अलग ही लेवल की होगी। बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और डॉक्टर डूम ऑलरेडी पोस्ट क्रेडिट सीन में होगा वकांडा फॉरएवर में।